Now we discussed about the function, create function for single linked list. सिंगल लिंक लिस्ट के हमें क्रिएट करनी है, उसका हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाए। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा void create। इस फंक्शन में struct node टाइप का new node current दो पॉइंटर मैंने यहां बनाया। इसके बाद कैरेक्टर में एक वेरिएबल बनाया चॉइस, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी वन। क्लियर है? वाई लूप लगाया, चॉइस यदि इक्वल इक्वल वाई है देन ये लूप हम स्टार्ट। यहां पे स्ट्रक्ट नोड टाइप का न्यू नोड और करंट दो पॉइंटर बनाए हुए, और इससे पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ उसमें स्टार्ट है उसकी वैल्यू नल की हुई है, वो ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ। तो यहां चॉइस की वैल्यू यस कर दी मैंने, यहां पे एक लूप लगाया क्योंकि मैं हर बार नया नोड बनाऊंगा तो वहां आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि डू यू वॉन्ट टू एड मोर नोड, आप कहोगे यस यस करके ये लूप क्या होगा रिपीट होगा। तो सबसे पहले चॉइस, पहला काम है अपना नोड क्रिएट करना, न्यू नोड बराबर स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर न्यू नोड मेलॉक के साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहां क्या हुआ, एक नया नोड क्रिएट हो गया। इस जो नया नोड जो बना है इसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू मैं यहां कर देता हूं। एंटर ए पे प्रिंट ऑफ के थ्रू एंटर ए वैल्यू मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद स्कैन ऑफ के थ्रू न्यू नोड का जो डाटा है उस पर हमने वैल्यू स्कैन कर लिया इंटीजर टाइप। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ यदि आपके स्टार्ट की वैल्यू इक्वल इक्वल क्या है नल। जब लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं बनी हुई होगी, और जब हम फर्स्ट नोड बनाएंगे उस समय आपकी स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी नल होगी। तो हम चेक कर लेंगे कि यदि आपका स्टार्ट नल है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट आ जाए कहां पे न्यू नोड पे, और जो करंट है वो भी क्या हो जाए न्यू। मतलब कि लिस्ट जो बन रही है वो उसमें ऐसे एक नोड बन गया जिसको अभी जिसके अंदर मैंने आपको एक वैल्यू स्टोर कर दी, जिसके नेक्स्ट को मैंने कर दिया नल, और अब इसको जो पॉइंट कर रहा है वो एक तो आपका स्टार्ट पॉइंटर है, एक आपको इसका जो पॉइंट कर रहा है वो करंट पॉइंटर, और एक जो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है वो कौन सा है न्यू नोड। तीन पॉइंटर पॉइंटर और स्टार्ट यहां आ गया तो मतलब ये लिस्ट के अंदर फर्स्ट नोड एड हो गया। अब मान लीजिए यदि लिस्ट पहले से बनी हुई है उसमें नोड ये जुड़ा हुआ है और मैं दोबारा एक और नोड बनाऊंगा तो उस मामले में एल्स चलेगा। एल्स में भी क्या करना है, स्टार्ट अपनी जगह रहेगा, नया नोड ऐसे क्रिएट हो जाएगा, नए नोड के नेक्स्ट की वैल्यू यहां नल हो जाएगी और यहां पे कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर करा देंगे। अब ये लिस्ट में एक नोड पहले से ऑलरेडी है और इस नोड को इसके साथ क्या करना है लिंक करना है जोड़ना है, यानी ये जो स्टार्ट नोड है या जो करंट नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है जिसकी वैल्यू नल है उसको हमें इससे जोड़ना होगा न्यू नोड से। जैसे नया नोड बनेगा ये पॉइंटर इसको पॉइंट करना क्या कर देगा बंद कर देगा और इसको पॉइंट करने लगेगा और इसको ये स्टार्ट ऑफ करंट है वो दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। अब मेरे को इस नोड को और इस नोड को कनेक्ट करना है तो स्टार्ट का नेक्स्ट करूं या फिर मैं करंट का नेक्स्ट करूं। स्टार्ट का नेक्स्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड पे ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसको हम आगे भी नहीं ले जा सकते स्टार्ट को, तो हम करंट को करेंगे। हम क्या करेंगे करंट का नेक्स्ट आपका हो जाए
न्यू नोड। तो करंट के नेक्स्ट में फिलहाल नल है, तो ये नल हटाए यहां से, और जो करंट का नेक्स्ट है वो न्यू नोड से क्या हो गया, जुड़ गया। इसके बाद करंट बराबर करंट का, इससे क्या हुआ, करंट यहां से हटा और अब करंट इसको पॉइंट करने लगा इस नोड। ये आपके इसके एल्स की आ गई। लूप के लिए यहां थोड़ी सी जगह कम है, तो एल्स बंद होने के बाद यहां पे मैं प्रिंट ऑफ डू यू एड मोर नोड स्कैन ऑफ परसेंटाइल सी, क्योंकि चॉइस है वो कैरेक्टर टाइप और एड्रेस और चॉइस। ये लूप बंद हो गया और ये आपका क्रिएट फंक्शन क्लोज हो गया। तो एल्स के बाद यहां डू यू वांट टू एड मोर नोड, जैसे आप चॉइस की वैल्यू यस दोगे, यस देते ये लूप वापस यहां से रिपीट होगा, चॉइस यस मिलेगी फिर से नया नोड होगा, और यदि एक नोड पहले से बना हुआ है तो ये पार्ट तो चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो करंट के नेक्स्ट में जो भी नया नोड होगा वो करंट का नेक्स्ट नए नोड से एड हो जाएगा और करंट बराबर करंट का नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये आप सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के, यानी लिंक लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए हम जो डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखने की बात यह है कि आपकी लिंक लिस्ट बनी हुई है या नहीं। यदि लिंक लिस्ट बनी भी नहीं होगी तो स्टार्ट की वैल्यू नल होगी, और यदि स्टार्ट है वो नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो पहले इसकी कंडीशन ये होगी। अदरवाइज मान लीजिए लिस्ट बनी हुई है, स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें हमारे करंट जो पॉइंटर है उसको यहां से स्टार्ट करना होगा और उसको बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेके जाना होगा नल तक, और हर एक एलिमेंट की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। ये चीज क्या होगी, एल्स पार्ट में होगी, इसके एल्स पार्ट में लूप होगा उसके थ्रू भी। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो बनाते हैं, फंक्शन का नाम है void show। इसमें struct node type का एक pointer हम बनाएंगे, केवल एक ही pointer की हमें जरूरत है। इसके बाद हम चेक करेंगे if यदि start equal equal null है, यदि start ही null है तो printf से हम मैसेज देंगे list is empty और यही रिटर्न, प्रोग्राम यही स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज एल्स, एल्स में हमें एक लूप लगाना होगा जिसमें हम करंट को स्टार्ट से चालू करेंगे और कब तक, करंट के जब तक करंट की वैल्यू नॉट इक्वल हो जाए क्या नल, जब तक आपका करंट आने पहुंचाए नल, और हर बार करंट बराबर करंट का नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। इस लूप में हम प्रिंटर से वैल्यू प्रिंट करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, और किसकी, करंट जो पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा उसी पॉइंटर के डाटा, उसी नोड के डाटा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। ये हमारा एल्स के अंदर लूप हो गया। उसके बाद ये हमारा एल्स क्लोज हो गया और ये हमारा वॉइड जो डिस्प्ले या जो शो फंक्शन है वो आपका बंद हो गया। इसका नाम हम डिस्प्ले रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा डिस्प्ले। तो ये लिंक लिस्ट जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करने का, डिस्प्ले करने का फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी यदि कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।